नमस्कार, गुड मॉर्निंग। दिल्ली का टेम्परेचर आजकल बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया है। 1.1 डिग्री कल का मिनिमम टेम्परेचर था। तो हैप्पी न्यू ईयर आप सबको। आज जो हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं वो आपके सामने एक बहुत ही डिफरेंट चीज़ है। वो क्या, पिछले साल से जब से कोरोना आया था, लगातार कोरोना आने के टाइम से मैं हमेशा लैपटॉप देख रहे हैं कंटेनर्स में, वो अक्सर जो है अकॉर्डिंग मैन्यूअल डालता था। कई बार हालांकि जो फ्रेश गोबर होता है वो रिकमेंडेड नहीं होता है। इवन तो समटाइम्स व्हेन फ्रेश गोबर इज अकॉर्डिंग इज नॉट रिकमेंडेड, आई यूज्ड इट फॉर माय पॉट्स। तो अभी क्या हुआ कि जब मैं उनको पिक करने गया तो ये माइंड में आया कि जो अर्बन काउज होती हैं, कैटल जो अर्बन होते हैं, स्ट्रे कैटल, वो कई बार पीपी किट वगैरह प्लास्टिक भी खाती हैं। तो ये माइंड में आया कि जब वो प्लास्टिक खाती हो सकता हूँ पीपी किट भी खाती हूँ। तो इस टाइम पे जब से कोरोना काल शुरू हुआ वो फ्रेश काउडंग को यूज़ करना, ताज़ा गोबर को, पता नहीं अपने आप ही एक मन में डर सा लगा। ये सोचते हुए सोचा कि अब कुछ तो करना पड़ेगा, सीज़न आ रहा है गार्डनिंग का। तो उसके लिए माइंड में आया कि क्यों ना जो मार्केट में फॉर्मुलेशन अवेलेबल होते हैं डिकम्पोजर के, वो यूज़ किए जाए। तो उसको देखते हुए ये एक बॉटल मुझे मार्केट में मिली, वेस्ट डिकम्पोज़र। आप देख रहे हैं वेस्ट डिकम्पोज़र है, और बेसिकली जो ये है ये काओ डंग जो होता है देसी गोबर, उसके अंदर से ही इसके अंदर से वो माइक्रोन्स को एक्सट्रैक्ट किया गया है। तो आज हम ये देखेंगे कि आप डिकम्पोज़र को अपने गार्डनिंग के पॉट्स में किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। सो लेट मी बिगिन बाय ओपनिंग दिस कंटेनर। ये आप देखिए, ये इसमें ये कल्चर है, बेसिकली ये फंगस कल्चर होता है आमतौर पे, जो कि हम डिकम्पोजर्स के तौर पे यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये जो आप इसमें देख रहे हैं ये फंगस का कल्चर है। ये एक कल्चर जो है ये 30 ग्राम की डब्बी जो है, आमतौर पे जब फार्मर्स यूज़ करते हैं तो ये 200 ग्राम ड्रम में घोल बनाते हैं। पर चूँकि यहाँ पर अभी हम फार्मिंग हमारा कंसर्न नहीं है, गमलों में हमें ये यूज़ करना है और गमलों की क्वान्टिटी कम है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम इसको एक 5 लीटर के कंटेनर में हम ये डिकम्पोजर का घोल तैयार करेंगे। तो फॉर डैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू टेक ए कंटेनर विच हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 5 लीटर्स। तो इन डैट जो हम शुरुआत करेंगे वो ये देखेंगे कि ये जो कंटेनर 5 लीटर का है इसमें आप कैसे इसको प्रिपरेशन यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर डैट चूँकि ये 5 लीटर का है तो ये जैगरी है, इसको हम कॉमन गुड़ बोलते हैं। तो ये जैगरी को 50 ग्राम से अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी है, इसको हमने 10 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर के हिसाब से इसको यूज़ कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले जो हमने प्रोसेस करना है वो इसमें हमने जैगरी को इसमें हम क्रश करके डालेंगे इस बॉटल में। तो आइए देखते हैं किस तरीके से, हाउ यू कैन डू इट। तो ये आप देख रहे हैं कि मैंने जैगरी को क्रश कर दिया है और इसको थोड़ा सा वॉल्यूम पानी में इनिशियल ले लिया है ताकि जैगरी इसमें अच्छे से घुल जाए। तो वॉल्यूम फिर आपको बताता हूँ। फॉर 5 लीटर्स ऑफ वाटर यू हैव टू टेक 50 ग्राम्स ऑफ जैगरी, जो कि सिंपल गुड़ होता है, वो 50 ग्राम आपने लेना है। इस 50 ग्राम हमने इसमें गुड़ ले लिया, और ये जो हमारा डिकम्पोज़र है, इस डिकम्पोज़र जो बॉटल है इट नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ 30 ग्राम्स का, जो हमारा इसमें ये क्वांटिटी है वो वॉल्यूम है इसके अंदर। तो इसमें से हमने अप्रॉक्सीमेटली ये 30 ग्राम इज़ फॉर 200 लीटर्स ऑफ वाटर। नाउ सिंस दिस फंगस वी आर नॉट गोइंग टू यूज़ इट फॉर 200 लीटर्स ड्रम, सो फॉर मेकिंग दिस 5 लीटर वी हैव टू टेक प्रपोर्शन quantity of that. So for this 5 liter of water we are going to take approximately 10 drops of this quantity. So this is in jelly form, so approximately 10 drops of the same. You see that makes a, so this much quantity only we added to the water. But you have to take precaution that since this is a decomposer,
we have to take precaution that this fungus should not get into direct contact with our skin. So carefully you have to use it. You can use this kind of gloves also, or any other gloves you are using for your routine gardening purpose. So this way we have added this quantity of our decomposer and this 5 liter volume container. And what we are going to now do, we are going to complete this volume to make this full 5 liters. So we are going to pour for remaining quantity of water. तो 30 ग्राम जो है वो 200 ग्राम के हिसाब से इसमें डिकम्पोजर की मात्रा लगती है. 200 लीटर ड्रम में इसको बनाया जाता है. तो यहाँ पे हम ड्रम नहीं बना रहे हैं, क्योंकि हम इसको गार्डन किचन गार्डन के पर्पज़ के लिए, अपना पॉट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, या और आपका ग्राउंड में गार्डन है उसके लिए. तो इसलिए हम इसे सिर्फ ये 5 लीटर की वॉल्यूम ही बना रहे हैं. ये हमारे लिए सफिशेंट हो जाता है. कम से कम 30-40 गमले तक को भी आप इससे यूज़ कर सकते हैं. आप चाहें तो अगर आपके पास और कम कंटेनर्स हैं तो आप उस केस में इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू आर गोइंग टू मेक अ वॉल्यूम ऑफ 5 लीटर्स. यू कैन रिड्यूस इट अप टू 1 लीटर क्वांटिटी आल्सो. तो अगर आपके पास बहुत कम गमले हैं तो आप इसे 1 लीटर की बोतल में भी बना सकते हैं. द मेथड शुड बी सेम. गुड़ जो है, बेसिकली गुड़ इज अप्लाइड, जेल इज अप्लाइड, बिकॉज इट बिकम्स ए गुड सोर्स ऑफ दिस डिकम्पोजर फंगस. तो माइक्रोऑर्गेनिज्म होता है, उसको क्वांटिटी को जल्दी फर्मेंट करेगा, उनकी पॉपुलेशन उसमें जल्दी इंक्रीज करेंगी. इसलिए तो ये हमने इसमें 5 लीटर वॉल्यूम फुल कर दिया है. अब हम इसके अंदर, ये चूंकि विंटर्स है इसलिए आपको ये कल्चर जो है वो इस फॉर्म में मिला, सॉलिडिफाई हो रखा है, नहीं तो अदरवाइज इट इज़ ए लिक्विड फॉर्म. अब हमने इसको अच्छे से पैक कर लेते हैं. और चूंकि अभी इसको कल्चर को हमने थोड़ा फॉर्म में डाला है, और गुड़ को अभी ये टाइम लगेगा, सो इसको अच्छे से ये घुल जाए, आपने ये ध्यान रखना है. तो इस तरीके से इसको अभी हमने ऐसे 1 या 2 बारी आप इसको दिन में स्टिर कर लिया करें, अदरवाइज यू नॉट टू डू इट मच. और इसको कुछ टाइम के लिए हम ऐसे ही पानी में इसको छोड़ देंगे. ऐसे आपको 5 दिन तक रखना है, 5 से 6 दिन तक आप इस कल्चर को ऐसे ही रखें. और उसके बाद फिर आप देखेंगे कि इसको आप फिर आगे, और जो भी आपका किचन में वेस्ट होता है, किचन वेस्ट है, कोई सब्जी फल है, या इवन गार्डन का भी वेस्ट है, उसको भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं. वो मेथड्स आप और डिटेल में फ्यूचर वीडियोज़ में देखेंगे. सो एक बार फिर आपको जस्ट रिमाइंडर दे रहा हूँ व्हाट वी हैव यूज. ये हमने एक डिकम्पोजर लिया है, वेस्ट डिकम्पोजर, और ये कल्चर हमने अभी तैयार किया है. इस कल्चर को तैयार करने के लिए हम इसको 5 दिनों तक ऐसे छोड़ देंगे, ताकि फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं कंपोस्ट बनाने के लिए. तो बेसिकली इसका बनाने का पर्पज़ यही है कि आप इससे एक बढ़िया कंपोस्ट तैयार करें, और फिर उस कंपोस्ट को आप अपने गार्डन में यूज़ कर सकते हैं. सो आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी यूज़फुल रहेगी. होप टू सी यू अगेन.